प्यार चाहिए, दुआ चाहिए। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज माई बेस्ट डे इन माई लाइफ। बर्थडे का बाद यही आता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, बिकॉज मैं संगीत मेरा सब कुछ है, जिंदगी मेरा गाना, मैं इसी का दीवाना, तो झूमो ना चुका हूँ वर्ल्ड म्यूजिक डे। बस आज मैं रिलीज किया एक गाना, इसका नाम है वर्ल्ड पीस लव एंड हार्मनी। एंड सबसे बड़ी बात जो है उसका वर्डिंग इज लाइक ए मैसेज, नॉट ए सॉन्ग। उसमें अलाप भी है, वेस्टर्न सॉन्ग में अलाप भी किया मैंने एक क्लासिकल, और उसमें एक लाइन जो है We are the world, we want peace around the world, we want peace around the world, world peace, love, harmony. This is the song, like world peace, love and harmony. Song 50,000 already cross कर चुका है, अभी 10-20 साल पहले कर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? और एक 3 घंटा में, या 3 hours 50,000, तो मेरे हिसाब से पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा देखने वाले सबको मैंने एक ही बात कहूँगा, जो आप लोग ये गाने को सपोर्ट कीजिए, तो ये मैसेज है, इट्स नॉट ए सॉन्ग। पॉपुलरिटी आज मैं 48 years काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैं देवानंद दिलीप कुमार से लेके वरुण धवन रणधीर कपूर तक काम कर रहा हूँ, तो मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग को सपोर्ट, पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सपोर्ट के लिए पॉपुलरिटी आज भी पॉपुलरिटी पॉपुलर है। और जितना भी मैंने गोल्ड लिस्ट मिला, 100 फिल्म सिल्वर जुबली है, वो कुछ माने नहीं रखता है, हर जो नया गाना आता है उसको आप लोग सपोर्ट करना। प्लस ये जो गाना है मेरा दिल की गाना है, ये गाना नहीं है, मेरा दिल से निकला है। इस सॉन्ग में एक मैसेज भी हमें दिख रहा है, मैसेज भी है। और इसमें जो कबीर बेदी, इंटरनेशनल स्टार कबीर बेदी का एक वॉइस ओवर है, वो आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग बोला अरे कितनी अच्छी बात है, वी आर फैमिली, मदर ब्लड कलर इज वन, मदर टीयर्स कलर इज वन, इतना अच्छा बोला कबीर बेदी। तो थैंक्स टू कबीर बेदी एंड थैंक्स टू माय सन बप्पा लहरी, ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब, प्रोडक्शन म्यूजिक किया, और मैंने जो गाना गाया मेरा साथ लिरिक राइटर था दीपक ने, वो मेरा हर पिक्चर में गाना लिख रहे हैं। अभी दो पल प्यार के एक सुपर हिट म्यूजिक आ रहा है, उसने भी उन्होंने लिखा। वी सुभाष का एक पिक्चर आ रहा है रिलीज पे, डिस्को डांसिंग स्टार। तो ये जो गाना है, ये गाना नहीं, ये मैसेज है, और मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग देखिए ये गाना, वर्ल्ड पीस लव एंड हार्मनी। वर्ल्ड पीस लव और हार्मनी, लव पीस, लव पीस, लव वर्ल्ड, लव पीस एंड वर्ल्ड पीस, दुनिया शांति, वर्ल्ड पीस दुनिया शांति, प्यार हार्मनी। ये मैं पूछ रहा था, आपने बता ही दिया, वर्ल्ड पीस लव। इसका लाइन जो है बहुत सुंदर है, और मेरा चाहता हूँ मैं ये मैसेज पूरा वर्ल्ड में आ जाए, जे देखो हम लोग सब एक साथ रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए, तभी तो दुनिया रहेगा। ये आइडिया कहाँ से आया था इस सॉन्ग का? ये सॉन्ग का आइडिया ऐसा आया था, जो मैं सब भगवान को बिलीव करता हूँ, हर मजहब को बिलीव करता हूँ, मेंशन भी किया गया, मेरा हाथों में वेटिकन सिटी का कड़ा है, गोल्डन टेम्पल का कड़ा है, मेरा गले में हनुमान जी है, गले में बालाजी है, गणपति है, अल्लाह भी है, और बुद्धिस्ट को भी मैंने मानता हूँ। तो मेरा पास पावर इज वन, वी आर वन, ह्यूमन जो है सब हम लोग एक है। धर्म के मैं आज ब्राह्मण हूँ, वकील है हिंदू का, हिंदू धर्म का, उनको तो मैं मानूंगा 100%, मेरा जन्म ही हुआ हिंदू। जो मुस्लिम है उनको मानने दीजिए, बिकॉज जो धर्म से आप लोग हैं, जो धर्म से मैं हूँ, जो क्रिश्चियन है उनका धर्म को मानने दीजिए, क्यों अपना अपना धर्म को मान, लेकिन लेकिन डोंट रिस्पेक्ट, डोंट डिसरेक्ट रिस्पेक्ट अदर धर्म, बिकॉज पावर इज वन, भगवान का जो एक पावर है ना सुप्रीम, जो आप लोग सुप्रीम बोलते हैं, एक ही होता है।
वो सुप्रीम क्या है? इंसानियत। मानव जो हम लोग जो अगर इंसान अच्छा होना तो कुछ नहीं, कोई अलग नहीं है, सब एक है। दैट्स व्हाई वी आर वन, वी आर द वर्ल्ड, वी वांट पीस अराउंड द वर्ल्ड। सर लेकिन देखा जाए तो फिर अभी रिसेंटली काफी हादसाएं हो रही है काफी रिलीजन के नाम पे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एज ए प्लेबैक सिंगर म्यूजिक नहीं है वो, तो ये तीनों तो लाइन अप में हैं और बंगाली पिक्चर है, तीनों पिक्चर आ रहे हैं। तो बस मेरा जो सुपर हिट गाना है उसको एक रीअरेंज किया हॉलीवुड ऑर्केस्ट्रा, ऑल अमेरिकन ऑर्केस्ट्रा, जैसे इंतहा हो गई वो गाना, इसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, दिल में हो तुम यार बिना चैन कहाँ रे, ये सभी गाना एक नया रूप दिया, अलग टाइप का ऑर्केस्ट्रा, अमेरिकन म्यूजिशियन बहुत ही सभी तो टैलेंट क्या उभर के आ रहे हैं, कि अभी भी देखो ना श्रेया घोषाल नंबर वन है, वो भी तो ऐसे है। अरमान मल्लिक जो गाना गाई गाना गाया वो भी तो मेरा टैलेंट शो में था, उससे पहले राजा हुसैन था, कितना आर्टिस्ट है, सुनीति चौहान थी। तो देखो जो टैलेंट है आजकल इतना अच्छा अच्छा टैलेंट है, कोई नया रहते बहुत पुराने हो जाते, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म उन्हें अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा अच्छा जो छोटे छोटे बच्चे जो गाना गाते हैं, क्या टैलेंट है उसको देखना चाहिए, चाहे डांस में हो चाहे गाने में। मैं हमेशा हमेशा मैं सब बच्चे को और यंग जनरेशन को मैं बोलते रहता हूँ, आप लोग बस दिल से गाइए, मीन्स आत्मा से गाइए, गले से। और रिक्रिएशन की जो बात करें तो अभी आपने बोल अभी आपने बताया कि रिक्रिएशन जो है रिमिक्स, एक रिमिक्स है एक रिक्रिएशन है, रिक्रिएशन जो हो रहा है रिमिक्स जो है, रिमिक्स में मेरा गाना तो आपको मालूम ही है लास्ट ईयर बद्रीनाथ की दुल्हनिया, नाम शबाना, रात बाकी बात बाकी सुपर हिट सॉन्ग इत्तेफाक विलन में, तो डैडी, तो लास्ट ईयर भी मैं देखा चार पांच पिक्चर में मेरा गाना आया, सब गाना अच्छा लगा, लेकिन तम्बा तम्बा तो इस सुपर टूपर हिट था, तो मेरा गाना कभी पुराना नहीं होगा, जैसे मेरा गले में गोल्ड है, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड है, गाना चलते रहेगा। लेकिन कुछ कुछ खाने खराब हो जाते हैं देखा जाए तो फिर हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मैं खुद गाते रहता हूँ यंग जनरेशन में अभी भी, मेरा हिसाब से चाहिए मुझे जीने के लिए। सर फाइनली एक सॉन्ग हो जाए लॉकिस जो है आपका जो लॉन्च हो, बस वर्ल्ड म्यूजिक डे यू जस्ट रिमेम्बर, आज के दिन में एक ही गाना जो रिलीज हुआ है आप लोग देखिए सुनिए, वी आर वन, वी आर द वर्ल्ड, वी वांट पीस अराउंड द वर्ल्ड, वी वांट पीस अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड पीस लव हार्मोनी, वर्ल्ड पीस लव।